बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि क्या बंगाल में दीदी के खिलाफ दादा बैटिंग करेंगे, क्या बीजेपी में शामिल होंगे प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि पिछले एक साल से उठ रहे हैं, लेकिन इस बात को हवा तब मिली जब अमित शाह सौरव गांगुली के घर पहुंच गए और डिनर किया। दादा के घर बीजेपी के चाणक्य की डिनर पार्टी से सियासी तापमान चढ़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात क्या की, बंगाल में सियासी चर्चे शुरू हो गए। अमित शाह कोलकाता दौरे पर थे, जहां वो सौरव गांगुली से मिलने उनके घर पहुंचे। गांगुली ने भी देश के गृह मंत्री का बहुत ही आत्मीयता से स्वागत किया, गुलदस्ता भेंट कर आदर सत्कार किया, अपने परिवार के लोगों का अमित शाह से परिचय करवाया। स्वागत के बाद गांगुली अमित शाह के साथ घर के अंदर पहुंचे। अमित शाह के साथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय भी मौजूद थे। गांगुली और शाह एक साथ बैठे, बातचीत की। सौरव गांगुली के घर अमित शाह और बीजेपी नेताओं ने डिनर किया। डिनर के समय अभिभावक की कुर्सी अमित शाह को दे दी गई। अमित शाह शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, लिहाजा डिनर में शाकाहारी भोजन का इंतजाम था। गांगुली के परिवार ने खाने में चावल, रोटी, बैंगन भाजी, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू दम, काजू बर्फी, मिष्ठी दोई और रसगुल्ले को परोसा। सभी लोगों ने एक साथ डिनर किया। वैसे तो सियासत में डिनर डिप्लोमेसी का बड़ा महत्व है, खाने की टेबल पर सियासत तक की बात होती है, लेकिन इस दावत में सियासत का तड़का कितना लगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि गांगुली ने डिनर से पहले कहा था कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है। वो अमित शाह को 2008 से जानते हैं और कई बार मिल चुके हैं, ये एक शिष्टाचार भेंट होगी। सौरव गांगुली के घर जब अमित शाह डिनर कर रहे थे, उसी समय बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह को देखने पहुंच चुके थे। अमित शाह और गांगुली के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में सचिव हैं, और कुछ समय बाद बीसीसीआई अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और कहा जा रहा है कि अमित शाह के बेटे जय शाह भी अध्यक्ष की दावेदारी करने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है, ताकि बंगाल में दीदी के मुकाबले दादा को आगे किया जा सके। पिछले साल चुनाव के दौरान भी गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हुई थी, लेकिन गांगुली उस समय बीमार पड़ गए थे और ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति में सियासी चर्चे को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब किस्मत सवारने की कहानी आपको दिखाते हैं। ये कहानी है झारखंड के हजारीबाग की, जहां पर महिलाएं खुद अपने हाथ से अपनी किस्मत बदल रही हैं, वो भी महुआ के अचार के जरिए। वैसे महुआ का नाम सुनते ही लोगों के माथे पर बल पड़ जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि महुआ का इस्तेमाल देसी शराब में होता है, लेकिन हजारीबाग की महिलाएं उसी महुआ से स्वादिष्ट अचार बना रही हैं। अब इस अचार का जायका सबकी जुबा पर चढ़ गया है और महिलाओं की आमदनी भी हो रही है। महुआ के इन फलों ने झारखंड की महिलाओं की दशा और दिशा बदल दी है। देसी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला महुआ अब स्वादिष्ट अचार के रूप में घर घर पहुंच रहा है और अचार बनाने में जुटी महिलाओं की किस्मत संवार रहा है। हम लोग प्लास मार्ट का माध्यम से हम लोग उसका अचार को बेच रहे हैं और छोटा मोटा स्टॉल भी लगाते हैं, और कहीं बड़ा फंक्शन होता है वहाँ भी अचार हम लोग बेचते हैं, और मार्केट इसका भी अभी हम लोग अवेलेबल है। महुआ के मीठे फलों से बना खट्टा मीठा अचार लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। आम और आंवले के अचार की तरह ही गर्मी के मौसम में महुआ के इस स्वादिष्ट अचार ने खाने का जायका बढ़ा दिया है। आम का अचार हो गया, आंवला का अचार हो गया, मिर्चा का अचार हो गया, सब में खटापन ज्यादा रहता है। आम में तो ज्यादा खटापन रहता है, आंवला में भी रहता है, मिर्चा में भी तीता खट्टा रहता है, लेकिन महुआ का एक अलग ही स्वाद रहता है।
महुआ का जैसे अचार महुआ मीठा होता है तो अचार बनाने के बाद खट्टा मीठा दोनों लगता है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र का जरबा गांव कभी महुआ से देसी शराब बनाने के लिए बदनाम था। कई औषधीय गुणों से युक्त होने के बावजूद शराब का अवगुण इस पर भारी था, लेकिन अब महुआ के बदले स्वरूप से यहां बदलाव की बयार बह रही है। गांव के एक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं महुआ के अचार के जरिए अपना जीवन स्तर सुधार रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने इन्हें हजारीबाग में एक परिसर दिया है, जहां ये महिलाएं मिलकर बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से अचार बनाने का संयंत्र भी लगाया गया है। देखिए, महुआ को हम लोग जैसे पहले से जानते थे कि उसका प्रयोग ज़्यादातर शराब बनाने में उसका उपयोग होता है, लेकिन अभी एक हम लोग ने जो नया प्रयोग किया है, यहाँ पर जो हमारी कुछ महिलाएं हैं वो साथ मिलकर इस महुए का अचार बना रही हैं और काफ़ी इसकी सराहना की जा रही है, न सिर्फ इस ज़िले में लेकिन उसको हम लोग बाहर भी भेज रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। महुआ का अचार आज इस कदर लोकप्रिय हो गया है कि हजारीबाग के अलावा JSLPS के जरिए कई जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। अब ये महिलाएं एक बड़े मार्केट की तलाश में हैं, ताकि अपने इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकें। हजारीबाग से बिस्मय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।